सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करवाए जाने की मांग मुख्यमंत्री को दो अलग अलग ज्ञापन भेजकर की गई है। पहली शिकायत बारासा एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर बुधराज द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में बुधराज ने बताया कि जब मैंने अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए नगर परिषद में आयुक्त से संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके 6 अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर देंगे, लेकिन उनमें से 3 अनुभव प्रमाण पत्र मेरे होंगे। आपकी सहमति है तो आप देख लो, लेकिन मैंने इस बात की सहमति नहीं दी। बुधराज का कहना है कि बाकी ठेकेदारों से इसी शर्त पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाए गए हैं, जिससे असलियत में साफ सफाई का काम करने वाले आधे लोगों को प्रमाण पत्र से वंचित रखा गया है। जबकि इस मामले की जांच करवाई जावे और कौन कौन से अनुभव प्रमाण पत्र वास्तव में अपात्र लोगों को जारी किए गए हैं और कितने पात्र लोगों को वंचित रखा गया है, इसकी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। दूसरी शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी गई है जो अनेक पार्षदों के हस्ताक्षरों से युक्त है। बताया गया है कि नगर परिषद द्वारा जारी किए गए ऑफलाइन प्रमाण पत्रों के मामले में गठित कमेटी ने अपने चहेते लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए, जिससे इसमें बड़े स्तर पर धन बल के प्रयोग का अंदेशा है। जबकि सालों साल से सफाई का काम कर रहे लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किए गए, इसी प्रकार बिना किसी साफ सफाई का रिकॉर्ड वाले लोगों को निजी हितों के चलते प्रमाण पत्र दिए जाने के आरोप शिकायत में लगाए गए हैं। ज्ञापन पर पार्षद रूबीना खातून, पार्षद रेवतमल कुमार, पार्षद मीनाक्षी स्वामी, पार्षद राकेश कंवर, पार्षद गौरव शर्मा, पार्षद सीता देवी सोनी, पार्षद अनुराधा पांडे, सनी नरेंद्र गुजर सहित अनेक लोगों के हस्ताक्षर हैं। दूसरी ओर इस बारे में आयुक्त मघराज डूडी ने बताया कि जो आरोप लगाए गए हैं वो मिथ्या और बेबुनियाद हैं। सभी अनुभव प्रमाण पत्र नियमानुसार ही जारी किए गए हैं, योग्य लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपों में जांच के दौरान कितनी सच्चाई निकलकर सामने आती है। प्रसिद्ध गए थे युद्ध के पास, हम हमारे कर्मचारियों के प्रमाण पत्र मांगने के लिए गए तो प्रमाण पत्र सबको लोगों को दे दिया, हमने भी जाके मांगे तो बोला कबोलो भैया आपके आदमी हमारे आदमी जितने हैं वो आपके हक में वो बना दो, हमारे आपके हक में वो बना दो क्योंकि ठीक बना देंगे। मैं फिर मैं के वो बनाऊ के 3 हमारे 3 आपके बना देंगे तब तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। किसने कही आपको ये बात? आयुक्त ने बोला कि देख लो मैं आपका बना दूंगा, पर आप ऐसे करो आधा हमारा बना लो आधा आपके रख लो आदमी। तो फिर आपने बनवाया क्या? नहीं, फिर मैं तो आ गया, चल निकल के आ गया, बनाओ तो बनाओ, हमें बनाना नहीं है तो मैं बनाना नहीं। और लोगों के तो बन रहे हैं, और लोगों के बने, जितने ठेकेदार उनके सब के बने, उनका सबका सेटिंग कर लिया हमने। मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है हमने और 303 कर्मचारियों की यहाँ भर्ती है, उसमें 260 अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। तो उसमें हमने मांग की है कि उसकी अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच हुए, उसमें काटा छांटी की गई है, इसलिए हमने जांच का विषय जांच मांगी है। किन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं? जो अधिकारी है अंदर बैठे हैं जो उन पर ये आरोप जिन्होंने जो जांच उसमें कमेटी के अंदर है जो जिन जिन्होंने कमेटी के अंदर है जो उनके जांच का विषय बनता है उनके। नगर परिषद की कमेटी द्वारा सभी को फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है और सबकी मिली भगत के कारण और जो जो लायक हैं उनको दिए नहीं गए और जो लायक नहीं है उनको मिली भगत करके अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। तो हमारी ये मांग है कि सभी जिन्होंने दिया है अनुभव प्रमाण पत्र उनकी जांच की जाए। ठेकेदारों से ये कहा गया है कि अगर आपने 12 प्रमाण पत्र लेने हैं तो 6 हमारे बनाओ, आयुक्त साहब ने कहा है ये, और 6 आपके बना देंगे। और ये सभी ठेकेदारों को किया गया है और ये हुआ भी है, आधे अपने बनाए हैं और आधे आप ठेकेदारों के बना दिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को अनुभव नहीं है उनका भी प्रमाण पत्र जारी हुआ? हाँ, जिनको अनुभव है नहीं और कभी काम किया ही नहीं है जिन्होंने मिली भगत करके आयुक्त साहब ने प्रमाण पत्र जारी कर दिए। तो आयुक्त द्वारा ठेकेदारों को कहा गया है कि आधे प्रमाण पत्र अपने बना लो आधे मैं बनवा दूंगा, ये आधे किसके बना रहे हैं और किस लालच में बना रहा है ये आयुक्त, इसकी जानकारी चाहिए हमें। सुजानगढ़ शहर के नए आवास जैसे अनेकों मोहल्लों में पेयजल किल्लत की समस्या आए दिन सामने आती रहती है।
वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ बह गया है। दरअसल गणेश मंदिर के पास स्थित जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में बनी पानी का टैंक रात को सप्लाई के दौरान ओवरफ्लो हो गया। अल सुबह करीब 4-5 बजे पानी का टैंक ओवरफ्लो हुआ। घंटों तक व्यर्थ मीठा पेयजल बर्बाद होता गया, लेकिन किसी ने शुद्ध नहीं ली। जब दिन हुआ तो आनंद फानन में सप्लाई बंद करवाई गई, लेकिन तब तक सहायक अभियंता कार्यालय के सारे कमरों में पानी भर चुका था। ताले बंद होने के कारण उनमें क्या नुकसान हुआ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में 1.25 फुट पानी भर गया। इधर एक कर्मचारी की इस लापरवाही से सब लोग सकते में आ गए। आनंद फानन में पानी के खाली टैंकर्स मंगवा कर पानी को टैंकर्स के जरिए उठाकर इसी कार्यालय के परिसर में दूसरी जगह पर डाला गया, लेकिन सहायक अभियंता ऑफिस से पानी खाली करते करते करीब 2 घंटे लग गए, फिर भी पानी पूरा नहीं निकल पाया। दोपहर तक स्थिति सामान्य हो पाई। आपको बता दें सहायक अभियंता की खुद की खुशी और उनके ऑफिस का चैम्बर भी पानी से सराबोर नजर आया। दूसरी ओर इस बारे में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कैलाश वर्मा ने बताया कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पेयजल की बर्बादी काफी गंभीर मामला है। जनित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि लोग पानी का इंतजार करते रहते हैं, इधर पानी व्यर्थ बह रहा है। इस प्रकार कब तक कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा? अब देखने वाली बात ये होगी कि लापरवाह दोषी कर्मचारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, या फिर इस मामले में भी लेपापोती कर दी जाएगी। लेकिन हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ बह जाने से लोगों में आक्रोश जरूर है। मैं सुबह 5 बजे घूमने के लिए जब आया तो यहाँ पानी ओवरफ्लो हो रखा था, और ये अभी इसके अंदर की स्थिति ये है कि ऑफिस में पानी भरा हुआ है, पूरे परिसर में पानी भरा हुआ है कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से। और शहर के अंदर इतनी बड़ी पानी की किल्लत है, जो गरीबों के मोहल्ले हैं, दलितों के मोहल्ले हैं, किसान मजदूरों के मोहल्ले हैं, वहाँ ये पानी देते नहीं है। और फ्लो के नाम पे ये पानी आए दिन, 3-4 बार पहले भी घटना हो चुकी है, आए दिन ये इस तरीके से पानी बहा देते हैं। ये बहुत बड़ी विभाग की लापरवाही है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।